नमस्कार दोस्तों, DLX9 में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल DLX9 सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर दबाएं, नए बिजनेस वीडियोज का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। हाँ तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लिक्विड डिश वॉश बनाने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसके रॉ मटेरियल निम्नलिखित है। एल्किल एराइल सल्फोनेट 2 किलो, सोडियम लॉरिल सल्फेट 2 किलो, टेट्रा पोटेशियम पायरोफास्फेट 12 किलो, सल्फोनेटेड लॉरिक एमाइड 5 किलो, सोडियम जाइलिन सल्फोनेट 5 किलो, अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ एक्सल 2 किलो, फ्रेश वाटर 75 लीटर। अन्य अधिकांश डिश वॉशर तो पीतल के बर्तनों तक पर कुछ न कुछ घातक असर डालते हैं, परंतु इसके घोल में तो पीतल और एल्युमिनियम तक के बर्तन साफ किए जा सकते हैं। प्लास्टिक की प्लेटों को भी चीनी मिट्टी की क्रैकरी के समान ही यह चमकाने में समर्थ है। यही कारण है कि अच्छे होटल तथा कैटर्स जहाँ इसे बड़ी मात्रा में लेते रहेंगे, वही 0.5 लीटर और 1 लीटर के प्लास्टिक की शीशियों तथा 5 लीटर के कैनों में पैक करके आधुनिक परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी अवश्य कीजिए। सबसे पहले हमें कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें कोई टब ले सकते हैं बड़ा सा, उसमें आपके पास जो सभी मटेरियल हैं सूखे रचक डिटर्जेंट पाउडर को छोड़कर, बाकी सभी मटेरियल को उसमें डाल के अच्छी तरह से मिलाएं। आप इसे किसी मिक्सचर में मिला सकते हैं, आपको ज़्यादा मात्रा में बनानी हो तो किसी अच्छे मिक्सचर में ही इसे अच्छी तरह से मिलाएं। सभी सूखे रचक डिटर्जेंट पाउडर को छोड़कर उस टब में डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं। कुछ देर तक अच्छी तरह से मिलाने के बाद से जो आपके पास पानी है उसके 25% इसमें पानी मिलाएं, 25 से 30% तक पानी मिलाएं और इसे अच्छी तरह से घुलाएं। कम मात्रा में आप अपने हाथों से इसे मैन्युअली तरीके से मिला सकते हैं, अधिक मात्रा में बनानी हो तो आप एजिटेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाते रहें। अच्छी तरह से घुलने के बाद से आपके पास बाकी बचे जितने भी पानी है सभी इस मिश्रण में मिला लें और अच्छी तरह से चलाएं। अच्छी तरह से चलाकर इसका अच्छी तरह से घोल बनाएं। उसके बाद से जब पानी शांत हो जाए तो आपके पास जो अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर है, अच्छी क्वालिटी का ही डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट नहीं है तो आप सर्फ एक्सल या एरियल का यूज कर सकते हैं, को इसमें मिला दें और उसके बाद से कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि डिटर्जेंट अपने आप ही उसमें घुल जाए। जब डिटर्जेंट उसमें अपने आप ही घुल जाएंगे उसके कुछ देर बाद फिर इसे अच्छी तरह से मिलाएं, ज़्यादा नहीं मिलाना है, 1 से 2 मिनट तक ही मिलाएं। इसके बाद से आपको जो भी कलर मिलाना हो, कलर परफ्यूम, वो आप इच्छा अनुसार मिला सकते हैं। रॉ मटेरियल से संबंधित जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पे आप रॉ मटेरियल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या रॉ मटेरियल खरीद भी सकते हैं। अपने मनपसंद का इसमें परफ्यूम और कलर मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिला लें, आपका डिश वॉश तैयार है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल DLX9 सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य